जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 115 अपनी 5000 प्लस एमसीक्यू मैराथन सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिपोर्टेड ड्वार्फिंग ऑफ राइस प्लांट। तो यहाँ पर देखो ड्वार्फ के बारे में बात कर रहा है, तो ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बोना। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे सोलर सिस्टम है हम उसमें बचपन में पढ़ते थे ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, जैसे प्लूटो का नाम सुनते थे, यानी कि ये बहुत छोटा प्लैनेट है। तो यहाँ पर राइस प्लांट यानी कि सपोज करो पहले जो हमारी चावल की खेती होती थी उसकी हाइट सपोज करो इतनी होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब ड्वार्फिंग हो जाती है यानी कि इनकी जो हाइट है ना वो छोटी हो जाती है, यानी कि चावल क्या होते हैं बोने हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है ड्वार्फिंग ऑफ राइस प्लांट। तो ये होता किसकी वजह से है? तो यहाँ पर एक वायरस है, तो यहाँ पर इस वायरस की वजह से क्या है ये जो राइस के प्लांट होते हैं छोटे हो जाते हैं। तो ये हो गया बेसिक। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट कहता है इट इज कॉज्ड बाय द सडन राइस ब्लैक स्ट्रिक्ड ड्वार्फ वायरस, यानी कि ये जो वायरस है ना इसके वजह से होता है। तो ये नाम हमको पता होना चाहिए, यानी कि ये साउथ चाइना ऐसे समझो चाइना के उधर देखने को मिलता है, तो साउथ चाइना सी। तो इस वजह से क्या है ये पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। सेकंड कहता है इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर थ्रू दी व्हाइट बैग्ड प्लांट हुपर, यानी कि हुपर मतलब टिड्डा। तो ये टिड्डे की वजह से क्या है ट्रांसमिट होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विद रेफरेंस टू सुभाष चंद्र बोस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते कहता है ही प्रिसाइडेड ओवर एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रामगढ़। सो दोस्तों आप ऐसे समझो जब 1939 में क्या है वर्ल्ड वॉर सेकेंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, तो जब आपने देखा होगा कि ये क्या है त्रिपुरी क्राइसिस हमको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि पहले सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पर गांधी जी से क्या होती है इनकी वाद विवाद हो जाती है, जिसकी वजह से इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ना पड़ जाता है। उसके बाद में ये क्या करता है अपनी खुद की पार्टी बनाता है फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो जाता है ना, तो यहाँ पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है यहाँ पर सपोर्ट कर देती है ब्रिटेन को कि आप लड़ाई लड़ो हम आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ पर ये मना करता है कि हमको इनके अगेंस्ट में इस टाइम पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक मास प्रोटेस्ट वगैरह करना चाहिए। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ये क्या करते हैं प्रिसाइड करते हैं एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस जो रामगढ़ यानी कि झारखंड में होती है वहाँ पर। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ही वॉज अरेस्टेड इन 1940 व्हेन ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अ प्रपोज्ड मोन्यूमेंट कॉमेमोरेटिंग द ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होता है 1756 में होता है। तो यहाँ पर जो नवाब होता है बंगाल का वो होता है सिजाद उद दौला। तो यहाँ पर ये क्या करता है यहाँ पर एक रूम होता है इसके अंदर में क्या करता है ये बंगाल के अंदर में सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स यानी कि जो यूरोपियन यहाँ पर सैनिक थे ना इनको इस बंद कमरे में बंद कर देता, जिनकी वजह से सांस ना लेने की वजह से इनकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर क्या है एक ये रीज़न होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो हमारा आंसर यहाँ पर बोथ 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन दी कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 16 अगस्त 1946 इज़ वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जैसे यहाँ पर क्या होता है 16 अगस्त 1946 के बारे में ये बात कर रहा है 1946 के अंदर में क्या होता है इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। तो यहाँ पर क्या होता है ये बोलता है ना जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई और मुस्लिम लीग में हमारा डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो इनके डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान बोला जाता है। लेकिन जब ये कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो जाता है दोनों के डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होते, तो यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो ये कहता है कि भैया हम 16 अगस्त को क्या करेंगे डायरेक्ट एक्शन डे एक तरीके से क्या है ऑब्जर्व करेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है जो कैलकटा है यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि 4000 से ज़्यादा क्या है लोगों की मृत्यु देखने को मिलती है इस वॉयलेंस हिंदू मुस्लिम की वजह से। तो यहाँ पर ये कह रहा है ऑप्शन में इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स बिगेन होता है रेड फोर्ट में, गलत, डायरेक्ट एक्शन डे वॉज ऑब्जर्व बाई मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी बी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दी ऑपरेशन यूगो। सो दोस्तों ऑपरेशन यूगो, तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है 1939 से 1944 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड यहाँ पर चल रहा होता है। तो यहाँ पर ये ना इंडिया से रिलेटेड है, तो आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पर म्यांमार में क्या होता है बर्मा में क्या होता है ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई करते हैं, और यहाँ पर ये इंडिया के अंदर में तो अंग्रेज होते ही है इंडिया के। तो अब यहाँ पर ऐसे समझो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जापान क्या करता है जापान अटैक करने की कोशिश करता है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने वाला होता है। तो ये जापान का क्या था एक बहुत ही अग्रेसिव अटैक था इन नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को देखते हुए, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन यू गो। तो यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ेंगे, कहता कि इट वॉज द जैपनीज ऑफेंसिव अगेंस्ट फोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन ऑफ
मणिपुर एंड नागा हिल्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड क्या था, इट वॉज लॉन्च्ड बाय सेंडिंग इंडियन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द जर्मन एम्पायर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन वर्ल्ड वॉर वन, गलत। तो यहाँ पर बाकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विद रेफरेंस टू ऑगस्ट ऑफर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो दोस्तों यहाँ पर ऑगस्ट ऑफर के बारे में बात कर रहा है, 1940 में भेजा गया था इंडिया में, और यहाँ पर उस टाइम के जो वॉसरॉय थे हमारे, यानी कि वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या था, इट वॉज अनाउंस्ड बाय वायसराय लॉर्ड वेवल। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ पर लॉर्ड वेवल का आपने देखा होगा, वेवल प्लान आता है 1945 में टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड। बाकी स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पर वायसराय लिनलिथगो आता तो हमारा ठीक हो जाता, इस वजह से पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड क्या था, इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, जब ऑगस्ट ऑफर आता है ना 1940 में, यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंडिया का सपोर्ट ये लेना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर ये कहता है कि जैसे वॉर खत्म हो जाएगी हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। थर्ड यहाँ पर बात करता है, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी कि इंडिया आज़ाद हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो हेड होगा, रिपब्लिक होगा, वो कौन होगा, एक तरीके से ब्रिटेन का राजा रानी होगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में यही कहता है कि इट एक्सप्लिसिटली प्रोमिस्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि जो हमारा आंसर करेक्ट है वो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद रेफरेंस टू द टर्म ऑर्फन क्रॉप समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो दोस्तों यहाँ पर ऑर्फन क्रॉप्स के बारे में बात कर रहा है। देखो ऑर्फन का क्या मतलब होता है, आप ऐसे समझो अनाथ। तो यानी कि ये वो क्रॉप्स हैं जो अनाथ हैं, यानी कि इनके ऊपर कौन नहीं है, माँ बाप का साया इनसे अब हट चुका है। तो जब माँ बाप का साया यहाँ से हट जाता है ना, तो इनकी क्या है, वैल्यू नहीं होती। तो आप इस तरीके से समझना, तो जब यहाँ पर इनकी वैल्यू नहीं होती तो ये वो वाली क्रॉप्स है जो लोकल एरिया में ग्रो करी जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में इनका क्या है, ज़्यादा व्यापार वगैरह नहीं होता, इनकी डिमांड नहीं होती, तो ये लोकल लेवल पर जानी जाती है। इन्हीं क्रॉप्स को बोला जाता है ऑर्फन क्रॉप्स, और अफ्रीका के अंदर में ऐसी ऑर्फन क्रॉप्स बहुत ज़्यादा है। और एक अनुमान ये लगाया जाता है कि जैसे 2050 तक आएगा ना, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो 25% जो फूड की सप्लाई होगी वो अकेला अफ्रीका रीजन से होगी। तो यहाँ पर कहता है कि ये क्या है, दीज आर नेग्लेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स विच आर रेयरली ट्रेडेड अराउंड द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सेकंड कहता है, दे आर यूजुअली अडेप्टेड टू ग्रो वेल इन हार्श कंडीशन। और दोस्तों इनकी क्वालिटी की ये बात है, ये कैसी भी यानी कि गर्म से गर्म यानी कि हार्श कंडीशन में भी ये अडेप्ट कर जाती है, उग जाती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी इनहेंसमेंट, यानी कि स्टीव फिनोमिना। सो दोस्तों आप ऐसे समझो जैसे ही हमारी पूरी अर्थ हो गई, और आपने देखा होगा अर्थ के ऊपर क्या है, हमने ओरोराज का नाम सुना होगा। तो ये ओरोराज आपने ये देखा होगा कि जो हमारा एटमोसफेयर है, जितना हमारा हाई लेटिट्यूड वाले रीजन में हम जाते हैं, लेटिट्यूड के साथ में प्लस एल्टीट्यूड हम जाते हैं, हमको क्या देखने को मिलती है, एक तरीके से लाइटिंग, स्पार्किंग लाइट वगैरह देखने को मिलती है ब्यूटीफुल कलर्स की, जैसे पर्पल कलर हो गया, लाइट ग्रीन, इस तरीके की क्या लाइट देखने को मिलता है, तो इसको बोला जाता है ओरोराज। अब यहाँ पर ऐसे समझो जैसे ये कोई हमारी एक लेवल हो गई हाइट की, तो ओरोराज हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन हल्का सा थोड़ा इसकी हाइट को हम नीचे कर लेना, तो सपोज करो ये इस तरफ, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्टीव हमको देखने को मिलता है, यानी कि जो ऊपर हाइट पर देखने को मिलती है हमको लाइटिंग, उसको ओरोराज बोलते हैं। उनसे थोड़ा कम लैटिट्यूड पर जो रहते हैं उसको स्टीव फिनोमिना बोला जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया स्टीव फिनोमिना के बारे में। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कहता है स्टीव के बारे में, ये क्या है, एक और एटमोस्फेरिक ऑप्टिकल फिनोमिना है, यानी कि दैट लीड्स इनटू अ पर्पल स्ट्रीक ऑफ लाइट, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एटमोस्फेयर के अंदर में हमको बिल्कुल लाइट दिखाई देती है। फिर यहाँ पर कहता है, अनलाइक ओरोराज इट अपियर्स एट द इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के पास में देखने को मिलते हैं, ये दिखती हमको ऊपर लैटिट्यूड में ही है, ज़्यादा हाइट पर, लेकिन बस ओरोरा से थोड़ी सी हाइट इसकी कम रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स एक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो दोस्तों यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में बात कर रहा, तो आप ऐसे एग्जांपल ले लो जैसे 1905 से लेकर के 1919 का टाइम पीरियड है, ये हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज चलता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और यहाँ पर कह रहा है कि इस वाले टाइम पीरियड में कौन एक तरीके से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था, तो कह रहा विलियम वेडनबर्न। सो दोस्तों आपने देखा होगा 1885 में कांग्रेस बनती है, 72 डेलीगेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं
बॉम्बे के अंदर में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। मैंने आपको बताया कि ऊपर के जो चार सेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1885, 86, 87 और ये 88। अब लेकिन आज क्या है, आप फिफ्थ वाला भी एड ऑन कर लो, तो ये 1889 में, तो विलियम वेडन बन जो प्रेसिडेंट बनते हैं 1889 में बनते हैं, एक ही हो गया। और यहाँ पर 1910 का टाइम पीरियड होता है, तो ये दो बार बनता है, यानी कि ये इस कैटेगरी के अंदर में आता है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कहता है जॉर्ज यूले, ये स्टेटमेंट गलत है, ये 1888 में बनते हैं। फिर एनी बेसेंट, ये 1917 में बनती है, यानी कि ये हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज के अंदर में आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर वन एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, यानी कि बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्ड टू द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो दोस्तों, एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात कर रहा है, जैसे लाल बाल पाल हमारे औरोबिंदो घोष हो गए, तो बहुत सारे क्या है ये हमारे वो देखने को मिलते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो यहाँ पर कह रहा है जैसे रहमत उल्ला सयानी, तो अभी हमने देखा कि 1885 में जब कांग्रेस बनती है ना, तो 72 डेलीगेट पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन 72 में से दो इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स होते हैं, एक होता है रहमत उल्ला सयानी। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट फेस के लीडर नहीं थे। फिर आता बिपिन चंद्र पाल, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है ना बाल, यानी कि ये वाले बिपिन चंद्र पाल है, ओ ये पाल, ये तो बाल गंगाधर तिलक है, और ये लाला लाजपत राय है। तो सेकंड आनंद मोहन बोस, ये भी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड स्टेटमेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता इन 1929 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन ऑर्डर टू मोबिलाइज पीजेंट ग्रीवेंसेज अगेंस्ट द जमींदारी अटैक्स ऑन देयर ऑक्यूपेंसी राइट्स। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो, जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये ना बिहार की कहानी चल रही है, ये बिहार इस तरफ है और 1929 की बात है। तो अब यहाँ पर देखो, पीजेंट मूवमेंट जहाँ पर भी चल रहा था, यहाँ पर कोई ना कोई तो लीडर होगा। तो 1929 में क्या होता है, सहजानंद सरस्वती जी क्या करते हैं, एक और मतलब एक तरीके से बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाते हैं, ताकि किसान एक साथ आ सके, जो यहाँ पर मतलब ब्रिटिशर्स है इनके अगेंस्ट में लड़ सके, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था इसके लिए। तो हमको ये पता होनी चाहिए कि ब्रिटिश बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी, ना एनजी रंगा थे, ना इंदुलाल याग्निक या फिर यदुनंदन शर्मा थे। तो हमारा सहजानंद सरस्वती यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना। सो थैंक यू गाइस।